नमस्कार आदाप सी का गुड आफ्टरनून एवरीवन स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनलिस्ट ऑफ द हिंदू एंड अदर सोर्सेज स्वागत है आप सभी का 29 जून 2022 की तमाम खबरों में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल जो नए जुड़े हैं वो ज्वाइन कर लेना एट द रेट केक आर्ट पल ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स और लिंक्स वहां पर मिलते रहें आगे बढ़ते हैं एनुअल मॉक टेस्ट अगर आप सोच रहे हैं लेने की आर पीओ के लिए तो आपको बेहतर मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल सकता है और वो है हमारा दैट uh, इज जो आपको मिलेगा 495 नाइन्टी में पूरे के पूरे साल के मॉक टेस्ट जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके आने वाले हैं और आर एव जो आ चुका है उसके प्रिलिम्स और मीन लेवल के मॉक टेस्ट एज वेल एज एप्लीकेशन में भी है अवेलेबल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और पिछले दो साल के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है तो आपको प्राइस एक पे करना है सिर्फ फोर नाइन्टी यहां पर और उसके बाद यहां पर आपको पिछले साल के प्रिलिम्स के इस साल के प्रीलिम्स के अगले साल इस साल के मतलब पिछले तीन साल के प्रीलिम्स के टोटल साठ प्रीलिम्स के एग्जाम्स आपको मिल रहे हैं मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सेक्शनल टेस्ट आपको मिल रहे हैं और ये ना ही केवल आर आर बी पी ओ एग्जाम्स के बट सभी एग्जाम्स के आपको मिलेंगे ठीक है और मेन्स लेवल के भी हैं इसी तरह से तीन साल के तो आपके लिए कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस इज आवर एनुअल मॉक टेस्ट पैकेज पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं पहली न्यूज आज की डेट में जो आई है वो आई है सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक जुलाई से यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन करने का फैसला किया है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर जम्मू कश्मीर से खबर आती हुई जम्मू कश्मीर ने सॉरी हिमाचल प्रदेश से यहां खबर आती हुई हिमाचल प्रदेश ने यहां पर शुरुआत किया है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम को अब ये क्या स्कीम है अब ये स्कीम अब जब मैं बताऊंगा तो आप ये सोचेंगे काश ये स्कीम हमारे समय में क्यों नहीं आई हमारा समय मतलब आप जब स्कूल में थे जी हां ये स्कीम रिलेटेड है स्कूल स्टूडेंट से कोई भी स्कूल स्टूडेंट अपने घर से अगर इस तरह का प्लास्टिक लेकर स्कूल में जाता है तो इस प्लास्टिक को वहां पर स्कूल के द्वारा खरीदा जाएगा और उसके लिए उनको सेवेंटी फाइव रुपीज पर केजी मिलेगा जो कि आप फर्दर जाकर कैंटीन में अपना खर्च कर सकते हैं या फिर किसी को घुमाने लेकर जाना है तो आप घुमा सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो पॉकेट मनी अपने को देते हैं उससे वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते कई लग्जरी चीज़ें लाइक घुमाना घुमाना किसी तरह की कैफे सीसीडी की कॉफ़ी वगैरह वगैरह वो आप घर का कचरा बेच अपने दोस्त के लिए सी, -सी की कॉफ़ी ज़रूर खरीद पाएंगे ऐसा एक प्रावधान हिमाचल सरकार ने एक आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया मतलब आप लोगों को नहीं आपके जो चो छोटे भाई हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज की गई है तो ये है सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वुड परचेज यूज प्लास्टिक आइटम फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस भी हैं भाई साहब ठीक है अंडर इट स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज टू ब्रिंग सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द होम एंड विद द स्कूल और उनको पिछहत्तर रुपए पर के जी का काम दिया जाएगा पिछहत्तर रुपए किलो आपको मिलेगा इकट्ठा करना शुरू कर दो और हिमाचल में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उसको वहां पर भेजिए ठीक है और वो वहां पर बेचेगा स्कूल में और आप 50 50 में उससे कमाइए ठीक है पिछहत्तर में, में से 50 परसेंट करेंगे तो कितना होगा साढ़े सैंतीस तो आपके साढ़े सैंतीस उनके साढ़े सैंतीस इस तरह से आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसी तरह से आप अगर साढ़े सैतीस रुपए पर केजी अगर कमाते हैं और इस तरह के अगर आप पंद्रह किलो जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बेच देते हो जो सिंगल यूज जो ये प्लास्टिक है उसको बेच देते हो तो आप एक एनुअल मॉक टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो ठीक है तो आपके लिए स्कीम है जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अलग टाइप की स्कीम है गॉट माई पॉइंट तो आप तो अभी फिलहाल एक बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो उस तरफ़ फोकस करना है आपको मोक टेस्ट खरीदना है आपको तो आ, वीडियो कोर्स खरीदना है वगैरह वगैरह उसके लिए पैसे चाहिए लेकिन स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को तो अलग चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं ठीक है तो वो उस चीज़ पर खर्च कर सकते हैं अपना अपना पैसा जैसा वो चाहें चल आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट और ये रिसेंट न्यूज है हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपके रिविजन के लिए अगली खबर गरीब कल्याण रोजगार योजना को यहाँ पर आपके दो साल पूरे हो चुके हैं ये गरीब कल्याण रोजगार योजना यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी कोविड 19 के वक्त जब कोविड आया था नया नया उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था जिसके तहत यहाँ पर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं यानी कि एक जगह से जो दूसरी जगह मूव किए हैं जो लेबर क्लास उनको यहां पर रोजगार मुहैया करवाना एम्प्लॉयमेंट एंड दिवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी कि उनके रोजगार की और उनके जो रोजमर्रा के खाने की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उनको यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज यानी कि उनको नौकरियां दी गई थी इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत और इसके तहत उनको एक दिनों के लिए यहां पर यह रोजगार मुहैया करवाया गया था पचास हजार करोड़ का यह पूरा पूरा पैकेज था यहां पर जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें नोडल मिनिस्ट्री थी जो कि इंप्लीमेंट कर रही थी इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहां पर मिलकर इट एनेस लॉन्ग टर्म लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग फोकस ऑन ट्वेंटी फाइव वर्क बेसिकली एक सौ सोलह ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर काम करवाए गए उनसे और 25 अलग अलग तरीके के काम थे जो कि बिहार झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में करवाए गए बारह मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे और डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट थे और टोटल ऑफ फिफ्टी करोड़ परसेंट डेज एम्प्लॉयमेंट यहां पर मुहैया करवाई गई इंक्रीज ऑफ वेज एमजी नरेगा के तहत जो वेजेस होती हैं उसको भी यहां पर इंक्रीज किया गया था दो सौ दो रुपए पर डे फ्रॉम वन एटी टू एक सौ बयासी रुपए पर डे से दो सौ दो रुपए यहां पर इसको किया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत इसको किया गया था ठीक है तो ये यहां पर कुछ न्यूज यहां पर आती हुई गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने दो साल अपने यहां पर पूरे कर लिए हैं ध्यान रखिएगा 125 सौ पच्चीस दिन का ये रोजगार दिया गया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मिनिस्ट्री बेसिक कौन सी इन्वॉल्व थी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बनता है एंड uh, इसके अलावा यहां पर आपका कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम किया गया था ये है आपका क्वेश्चन अगला कितनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थी ये क्वेश्चन है कितने करोड़ लोगों को रोजगार मैन डेज पर्सन डेज ये दिया गया ये पूछा जा सकता है आपका एंड इसके अलावा एम जी नरेगा के तहत कितनी वेजेस में इंक्रीज किया गया था उस वक्त यहाँ पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है खैर ये वेजेस जो है ये वैरी करती हैं स्टेट टू स्टेट ठीक है तो ये चीज़ आपके अलग अलग हो सकती है तो खैर इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नीचे वाला नहीं बनता तो ये पूरी पूरी न्यूज़ यहाँ पर इससे संबंधित अगली खबर पे चलते हैं अगली खबर यहां पर आई है साइरन प्रोजेक्ट अलर्ट एलिफेंट मूवमेंट लॉन्च इन ओडिशा सो ओडिशा में बेसिकली यहां पर एक साइरन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है ये साइरन प्रोजेक्ट इसके लिए ये किया गया है एलिफेंट्स को बचाने के लिए कोई भी एलिफेंट अगर यहां पर क्रॉस करता है हाईवे को हाईवे को क्रॉस करता है हाईवे को क्रॉस कर रहा है तो ऑटोमेटिक वहां पर सायरन रन हो जाएगा सो धन केनाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि ओडिशा में है इन्होंने प्लान किया है टू इंस्टॉल दी ऑटोमेटिक सायरन नियर नेशनल हाईवे इन अ बिट टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट सर बेस साइरंस विल स्टार्ट ब्लेरिंग वेन एलिफेंट विल क्रॉस दी रोड फॉर अलर्टिंग ड्राइवर्स विदिन अ डिस्टेंस ऑफ एक किलोमीटर एक किलोमीटर के डिस्टेंस से पहले ही वहां पर सायरन उनको सुनाई देगा ताकि उनको पता चल सके कि कोई यहां पर आ तो नहीं रहा एलिफेंट तो नहीं है यानी कि अगर होगा तो एलिफेंट अगर क्रॉस करेगा तो सायरन बजेगा एक किलोमीटर पहले पता चल जाएगा तो रोड एक्सीडेंट्स में यहां पर कमी आ सकती है क्योंकि ऑब्वियस है एलिफेंट काफी बड़ा होता है अगर अंधेरा है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कुछ भी हो सकता

ये वर्क करेगी इन विद द केनाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट्स द एलिफेंट साइरन प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड नियर द रस्सा सिंह एंड द हल्दिया बहल अलोंग द धन कैनाल गुल नेशनल हाईवे 55 ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे द टेक्नोलॉजी हैज कम फ्रॉम कोयंबटूर। द सारन सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु ठीक है तो ये चीज यहां पर आपकी की गई है हाँ एक सेकेंड रुको ओके okay. करते हैं इस न्यूज को एक बार फिर से आ, पहली क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह बन सकता है ना धैनकला धैनकेनाल फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है अलग से क्वेश्चन हटकर क्वेश्चन तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है स्टैटिक में से धैन केनाल कहां पर है ओडिशा में है यहां पर ओके okay, सो so कहां पर किया गया है इस तरह का क्वेश्चन एलिफेंट मूवमेंट को करने के लिए सायरन प्रोजेक्ट लगाया गया धैनकेनाल में लगाया गया ठीक है ये तो आपका जस्ट नॉलेज के लिए फैक्ट है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए कि एक किलोमीटर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में आपको दे देंगे साइरन प्रोजेक्ट उससे नीचे स्टेटमेंट दे रखी होंगी राइट फॉरेस्ट ऑफिसर को रिसीव मिलेगा किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है दैट इज चेंज के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ये यहां पर कहां पर लोकेशन एग्जैक्टली exactly क्या है एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर रसा सिंह एंड दी हल्दिया बहल है अनुगुल नेशनल 55, यहां पर अनुगुलशनल एग्जैक्ट लोकेशन है ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा चुकी है ठीक है तो ये पूरी की पूरी न्यूज आपकी सायरन प्रोजेक्ट से संबंधित आगे के चलते हैं हम आगे न्यूज है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहां पर शुरुआत की है इनग्रेट किया है तमिलनाडु एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2022 को तमिलनाडु ने लॉन्च किया बहुत सारे इनिशिएटिव ड्यूरिंग द तमिलनाडु एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव दो हजार टू हेल्प इंडस्ट्री एडॉप न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिमेन तो यहां पर आपका ताराम नाम की जगह है चेन्नई के पास है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव दो की बाय दो द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एस्पायर टू हैव ट्रिलियन यूएस है इकोनॉमी द फिफ्टी बिलियन यूएस डॉलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो यहां पर आपका 2030 तक तमिलनाडु स्टेट यहां पर एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 250 बिलियन डॉलर तक लेकर जाएगा ऐसा तमिलनाडु ने कहा है तमिलनाडु सेंटर ऑफ इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडिया का अपने आप में पहला सेंटर ऑफ एक्सीस है इनेग्रेट किया गया आपका टाइडल पार्क एट दी तारामी इन चेन्नई में तो ये यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्या समझते हैं यानी कि एक बड़ा अच्छा सा ट्रेनिंग फैसिलिटी यहां पर है आपकी जो कि तमिलनाडु के द्वारा टाइडल पार्क तारामणि में इनाइग्रेट की गई ये एक 212 करोड़ का एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड दी फ्रेंच की फॉर्म डजोल्ड सिस्टम के बीच में ये किया गया तो ये आपका पूरा पूरा एक ही पार्ट बना आपका ठीक है इसके अलावा दो इनोवेशन सेंटर इनग्रेट किए गए एट सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क जो कि होसूर एंड श्री में है इनको बनाया जाएगा तेतीस करोड़ की लागत से यहां पर और यह कोलैबोरेशन किया गया है इसका कोयमटूर इनोवेशन एंड बिजनेस इनक्यूबेटर के साथ इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 सर्वे ये भी किया गया है बाय द गाइडेंस तमिलनाडु के द्वारा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया इसके अलावा टेन कैम विल ऑफर ए डेडिकेटेड आई टी इंजीनियरिंग इकोसिस्टम जिसके तहत इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स को यहां पर बेनिफिट पहुंचाया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डोंट वरी दोबारा से कराऊंगा आगे आगे निकल रहे हैं ना आप समझ रहे हो यार ये क्या सर समझ नहीं आ रहा टेंशन ना लो अभी दोबारा करते हैं एक बार पढ़ तो लो तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है ये आपका जिसमें आप अगर बेनिफिशरीज इस डेट तक रजिस्टर कर सकते हैं इस स्कीम के तहत इस ये जो पोर्टल में किया गया है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है जिसके तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पर एक हजार रुपये पर ईयर यहाँ पर देगा सभी के सभी गर्ल्स स्टूडेंट को जो कि मिडल स्कूल टू ईच गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम मिडल स्कूल में पढ़ती हैं जब तक उनकी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती आगे चलते हैं स्टूडेंट हू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ एंड कोलर स्टूडेंट फुल फुलफिल द्राइटेरियालीजिबल टू यूज दिस फैसिलिटी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट स्कूल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर टू फर्निश डिटेल्स अबाउट देर स्कूल एजुकेशन बैंक अकाउंट डिटेल एंड दंबर ठीक है तो ये पूरी की पूरी न्यूज है ये बेसिकली क्या किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक एडवांस मैनुफैक्चरिंग कॉन्क्लेव आयोजित किया गया इस मौके पर बहुत सारी चीजों की घोषणाएं की गई है ठीक है अब इन घोषणाओं में से न्यूज में से क्वेश्चन कैसे निकलता है वो देखते हैं उसको समझते हैं ताकि आपके माइंड में न्यूज फिट हो जाए नहीं तो अभी तक तो आधे लोगों आधे क्या सत्तर अस्सी परसेंट लोगों के दिमाग में ऊपर से जा रही होगी न्यूज कि चल क्या रहा है सर पहले क्या था फिर आगे पेज पर क्या आ गया फिर आगे पेज के नीचे क्या आ गया फिर क्या आ गया मतलब ये इसको छोच पोछ हो रहा है अब इसको समझते हैं आखिरकार इसके पीछे क्या है सिस्टम तो क्वेश्चन ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं और क्वेश्चन पे फोकस करना दिमाग में अपने आप न्यूज फिट उसी वक्त हो जाएगी पहली चीज लोकेशन कहां पर है ये तारामणि में यहां पर ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया तारामणि चेन्नई इसके अलावा अगला क्वेश्चन तमिलनाडु जो सरकार है वो अपने आप को क्या कह रही है वो ये कह रही है कि हमारी जो जीडीपी है हमारे जो स्टेट की जो इकोनॉमी है जीडीपी है वो एक ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करेगी कब तक 2030 तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कब तक होगा 250 बिलियन यूएस डॉलर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कब तक अचीव कर लेगा दो तक ठीक है ओके ये चीज है आपकी ओके अभिषेक कंग्रेचुलेशन आगे चलते हैं तमिलनाडु सेंटर ऑफ इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु सेंटर ऑफ इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपने आप में पहले तरीके का इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है जिसको इनाग्रेट किया गया कहां पर तीसरा क्वेश्चन लोकेशन टाइडल पार्क यह भी तारामणी में है प्रोजेक्ट कितने करोड़ का बना है 212 करोड़ इसमें लगा है आपका और ज्वाइंट वेंचर है किसका टिडको और फ्रांस की कंपनी डेजोल सिस्टम अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि टिडको ने हाल ही में चेन्नई में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस अपने आप में बनाया गया जो कि दो करोड़ की लागत से बनाया गया एक ज्वाइंट वेंचर है आपका इंडिया की टिडको का कौन सी कंपनी के साथ कौन सी फ्रेंच की कंपनी के साथ कौन से देश की कंपनी के साथ तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है राइट आंसर विल बी द फ्रेंच फॉर्म डेजोल्ट सिस्टम ये एक थोड़ा सा अलग सा सा क्वेश्चन बनता है छुपा हुआ क्वेश्चन इसी को कहते हैं हम, ठीक है नीचे नीचे छुपा छुपा कोने वाला ठीक है ये छुपे रुस्तम तम ही हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं और एग्जाम में आपका या तो एक नंबर आपका पक्का करते हैं या सवा नंबर आपका गवा देते हैं कुछ भी हो सकता है कि आप तुक्का जरूर मार के आओगे ऐसे क्वेश्चन में कि आपने जब न्यूज़ पढ़ी होती है ना पूरी की पूरी तो आपको आदत होती है तुक्का मारने की चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर ना आता हो लेकिन न्यूज़ जब पढ़ी है हेडिंग पढ़ी है तो आप तुक्का मार के आओगे और सवा नंबर गवा दोगे अगर ये वाला यहां पर गलत कर दिया तो आता हो गलत कर दिया तो आगे चलते हैं दो और सेंटर कहां पर किए गए हैं यह पूछा जा सकता है आपसे हुसूर श्री पैरम्बुर ठीक है इसकी अमाउंट यहां पर लिखी हुई है तेतीस पॉइंट छियालीस करोड़ लिखी हुई है अब ये नेक्स्ट पार्ट आ गया कि एक इंडस्ट्री सर्वे किया गया इंडस्ट्री 4.0 जिसको किसने किया है जिसको किसने किया है गाइडेंस तमिलनाडु एक एजेंसी है वहां की ऑर्गेनाइजेशन है साथ में कौन से देश की यूनिवर्सिटी के साथ यूके की यूनिवर्सिटी के साथ किया गया भाई साहब यूनिवर्सिटी है उसके साथ ये काफी कूल cool क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छुपा हुआ क्वेश्चन कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ किया है यह पूछा जा सकता है इसके अलावा यहां पर कौन सी एजेंसी ने यहां पर एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया एमएससी में स्टूडेंट्स के लिए तमिलनाडु के लिए यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेन कैंप ठीक है टेन कैंप विल बी राइट आंसर इसके अलावा यहां पर अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक हजार पर ईयर आपका दिया जाएगा गर्ल्स स्टूडेंट को अपनी कॉलेज एजुकेशन तक ये यहां पर कौन सी सरकार ने किया तमिलनाडु ने किया ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये पोर्टल यहां पर ये अवेलेबल है पोर्टल का नाम नहीं पूछते टेंशन मत लो ये पर्टिकुलर पूछ सकता है कौन से स्टेट के द्वारा दैट इज तमिलनाडु विल बी दी राइट आंसर उसका ठीक है क्या क्या इसमें प्रावधान है क्या एलिजिबिलिटी है वो सारा यहां पर लिखा हुआ है आई होप अब ये न्यूज आपके दिमाग में फिट होगी होगी और आप आप इसमें से जो जो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने बता दिया है अमूमन इस तरह की न्यूज को पढ़कर आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस जरूर होती है लेकिन अगर तरीका बदलोगे तो डेफिनेटली आप यहां पर इसको भी कर सकते हो पूरा ठीक है एक एक आज मैं एक शेर सुन रहा था शायरी थी मुझे पूरी शायरी याद नहीं है लेकिन उसके लास्ट दो लाइंस मुझे कुछ ऐसी याद आ रही हैं एग्जैक्ट लाइन टू तो लाइन तो मैं शायद ना बता पाऊं लेकिन उसका निष्कर्ष बता देता हूं कुछ ऐसा कहा गया था उसमें कि नाव निष्कर्ष बताता हूँ आपको खैर मुझे बोलना वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो राइम नहीं बन रहा उसमें ये कहा गया था कि आप मान लीजिए किसी नदी में जा रहे हो ठीक है लेकिन आप नदी में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको जहाँ मंजिल पहुँचनी है वहाँ तक आप पहुँच रहे हो कोई रस्ते में रुकावट आती है हो सकता है उस जगह तक आप नहीं पहुँच पाए हो ठीक है तो उनका कहने का मतलब उसमें ये था कि आप वहाँ पर पहुँचने का जो तरीका है उसको बदलो यानी कि जिस नाव में बैठे हो हो सकता उस नाव में कुछ गड़बड़ हो इस वजह से आप वहां पर ना पहुंच पाए हो, आप उस नाव को बदलो तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा आपकी मंजिल जो है खुद ब खुद बदल कर दूसरी जगह शिफ्ट होगी या आप उस जगह पर पहुंच जाओगे उस नाव के थ्रू कुछ ऐसा उसमें कहा गया था बड़ी प्यारी शायरी थी कभी मिलेगी तो जरूर सुनाऊंगा दोबारा से मुझे कहीं पर दिखेगी तो बहुत प्यारी शायरी थी पूरी की पूरी, पूरी एक पाँच छः लाइन्स की शायरी थी और कुछ इसी तरह से मैं इसको कहना चाहता हूँ कि देखो पढ़ने का तरीका बदलोगे तो अपने आप न्यूज याद होंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से 80 परसेंट सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स यही कहते हैं सर याद नहीं होता याद नहीं होता आपको याद इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वही ट्रेडिशनल वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप वही ट्रेडिशनल वे में उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हो आप कुछ नया नहीं सोचते कि मैं नया इसमें इनोवेशन अपना क्या इनपुट डाल सकता हूं जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरह समझा रहा हूं आप उसी तरह समझो आप अपना इनोवेशन अपना इनपुट भी तो डाल के देखिए है ना मैंने अब इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स याद कराने की क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं ये मैंने कुछ नया इनोवेशन किया आपके लिए डेली मैं बताता हूं ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन ताकि आपको याद रहे आप भी तो अपना कुछ इनपुट डालिए अपना तरीका बदलिए मंजिल अपना खुद का रास्ता अपने आप बदल लेगी और आप तक आप उस तक पहुंच जाओगे ओके चलो आगे चलते हैं बीएलएस uh, इंटरनेशनल ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद वेस्ट बंगाल फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड ई गवर्नेंस गर्नेस यहां पर बी एल एस इंटरनेशनल सर्विस ने एंटर किया एक एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड ई गवर्नेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन प्रेजिडेंसी जोन ठीक है तो यहां पर सिंपल सी न्यूज है बीएलएस इंटरनेशनल ने टाई अप किया है किसके साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ यहां पर टाइप किया है इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी विल प्रोक्यूर इंस्टॉल एंड कमीशन दार्डवेयर ऑफ एट्टी वन ऑफिसेस अंडर द प्रेजिडेंसी जोन ओके सो यहां पर एक साथ मिलकर काम करेंगे बी एल एस इंटरनेशनल सर्विस यहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपका ठीक है सिंपल क्वेश्चन आएगा हेडलाइन में से क्वेश्चन आएगा दैट इट और कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है ठीक है बस यही क्वेश्चन आपका बन सकता है यह आपका बीएलएस इंटरनेशनल और वेस्ट बंगाल का स्टेटिक फैक्ट अगली न्यूज है बीएल ने साइन किया एक एमओयू विद द बेलरूस फॉर्म फॉर दप्लाई ऑफ एयरबोन डिफेंस तो यहां पर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया किसके साथ डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस के साथ यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एंड दी डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड इंडिया सब्सिडरी ऑफ दी डीआई बेलारूस ठीक है तो यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ बेल और बेलारूस के साथ यहां पर एयरबोन डिफेंस सूट यहां पर कुछ एयर फोर्स से रिलेटेड यहां पर उनको सप्लाई किया जाएगा एयर फोर्स के लिए एक पर्टिकुलरली कुछ सामान और इसके लिए एग्रीमेंट किया बेल ने बेलारूस के साथ बेलारूस की कंपनी के साथ बेलारूस की फर्म के साथ ठीक है तो एग्रीमेंट एग्जाम पॉइंट से किसने किसके साथ किया है यह किया है डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस का आपका डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो कि सब्सिडरी है डीआई बेलारूस की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ठीक है तो ये कुछ कंपनीज के नाम इसमें दे रखे हैं अगली खबर है यहां पर आपकी सिजेंटा इंडिया ने लॉन्च किया प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम सो ये आपकी प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है वो होता है हमेशा आपका फसलों की कभी कोई बर्बादी हो गई किसी वजह से फसल बर्बाद हुई चाहे नेचुरल कैलमिटी थी कुछ भी था तो उसका हर जाना किसानों को मिल जाता है अगर इंश्योर्ड है आपकी फसल तो इन दैट केस फसल बीमा योजना के तहत या किसी भी योजना के तहत अब यहां पर एक नया इंश्योरेंस इन्होंने सेगमेंट शुरू किया है और वो है आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन अगर आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है तब भी आप किसान जो हैं वो अपनी जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है उस फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन उनको ग्रंटेड प्राइस दिया जाएगा इतना ग्रंटेड प्राइस मिलेगा चाहे प्राइस जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो ये लेकिन ये ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में कोई स्कीम आई है ये कुछ एक लोकेशन पर आई है और एक कंपनी के द्वारा दी गई है 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 देखते हैं क्या है। सिजेंटा इंडिया नाम की कंपनी कंपनी जो कि एक वेजिटेबल सीड डिवीजन इन्होंने एग्रीमेंट किया है विद द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ सिजेंटा ने यहां पर टाई अप किया है जिसके तहत चिल्ली फार्मर्स जो आपके मिर्ची के व्यापारी हैं चिल्ली फार्मर्स ऑफ गुंतूर आंध्र प्रदेश फ्रॉम अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन तो अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है आपका किसी भी तरह से उससे बचने के लिए यहाँ पर गुंतूर के जो मिर्ची के फार्मर्स है जो मिर्ची उगाते हैं ग्रो करते हैं चिली फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर उस प्राइस फ्लक्चुएशन बचाने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के साथ कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया है सजेंटा ने तो सजेंटा एक ऐसा प्रोडक्ट लगाई लेकर आई है किसानों के लिए ये पहले ही अपने आप तरह का इनिशिएटिव ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी मार्केट फ्लक्चुएशन अंटिल नाउ कंपनसेशन सिर्फ नेचुरल कैलोमिटीज के लिए दिया जाता था एग्रीमेंट यहां पर गारंटी करेगा एक फेयर प्राइस चिल्ली ग्रोवर्स को स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स बाय क्रिएटिंग अ शील्ड अगेंस्ट दी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन एक पर्टिकुलर बता देंगे ये प्राइस है इससे नीचे जाएगा तुम्हें इतना गारंटी प्राइस मिल जाएगा तुम टेंशन ना लो अबाउट टू थाउजेंडियस इसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा किसानों को अब जरूरी नहीं है ना प्राइस उससे नीचे जाए प्रीमियम तो उस कंपनी को मिल ही जाना है है ना प्रीमियम पे करना पड़ेगा अबाउट 2000 फार्मर्स ऑफ द अचम अच्छा चंपेट ओके नाम है जगह का चंपेट गुंटूर हैव बीन ग्रोइंग सिजेंटा होट पेपर हाइब्रिड एचपीएच5531 ये एक पर्टिकुलरली एक टाइप की एक मिर्ची है ठीक है कोड है मतलब नाम है उस जगह का एक पर्टिकुलर होता है सभी ग्रोपर्स को दिया जाता है नाम तो सिजेंटा के द्वारा ही यह की जाती है इन एन एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ टू एकड़ विद एन इंश्योरेंस कवर ऑफ अबाउट डेढ़ लाख पर एकड़ दो एकड़ में उगाई जाती है और लाख पर एकड़ का इंश्योरेंस है ए जो है इज ऑफरिंग फसल भवंतर कवच एंड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फार्मर्स हु फार्मर सीजेंटा होर्ड पेपर हाइब्रिड फॉर सेफ गार्डिंग दी फ्रॉम फ्लाइस फ्लक्चुएशन तो यहां पर यह कंपनी है सजेंटा इंडिया ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है कंपनी जो है उसके साथ टाइप किया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उनसे प्रीमियम चार्ज करेगी और ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उनसे प्रीमियम चार्ज करके उसके बदले में उनका प्राइस फ्लक्चुएशन से संबंधित यहाँ पर आपका एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी लेकिन उस स्कीम का नाम रखा है फसल भवंतर कवच फसल भवंतर कवच रखा है और ये पर्टिकुलरली एक टाइप की जो चिली है उसी के लिए किया गया है ठीक है उसके लिए किया गया है किसानों को बचाने के लिए उम्मीद करता हूं न्यूज पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी ठीक है और चिल्ली फार्मर्स के लिए मिर्ची के फार्मर्स के लिए मिर्ची के जो किसान हैं मिर्ची जो उगाते हैं उनके लिए ठीक है ओके मिर्ची वैसे बहुत तिखी होती है शादी के बाद पता चल जाएगा आपको आगे चलते हैं ग्लोबल लिवलेबिलिटी लिवले इंडेक्स दो ठीक है ओके सो यहां पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अभी तो मिर्ची खाते हो कहीं और लगती है ना रोज सुबह शाम को खाई सुबह कहीं और लगी शादी के बाद मिर्ची खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन सारा दिन लगती रहेगी बिना खाए हुए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक रैंकिंग uh, आई है इंडेक्स आया है दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि रहने लायक कौन सी बेहतर जगह है रहने लायक बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जगहें हैं। वियना सबसे खूबसूरत जगह ऑस्ट्रिया की कैपिटल है डेनमार्क की कैपिटल कॉपन हैगन है स्विट्ज़रलैंड का जुरिच है कनाडा की कैलगरी है और कनाडा का है वेनकोवर है जो कि हमारा कनाडा, हमारा मिनी पंजाब कहा जाता है हमारे सिख भाई बंधु वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और जाते रहते हैं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पर कनाडा को टेक ओवर हो जाए है ना चलो क्या पता होगा कि नहीं होगा सो so, यहां पर फिलहाल ग्लोबल लेबी इंडेक्स यानी कि रहने की बड़ी अच्छी जगहें हैं यहां पर रहने के हिसाब से ये टॉप पांच जगहें हैं पूरी दुनिया की और सबसे खतरनाक जगह तो दुनिया की है जहां पर आप रहना चाहते नहीं हो सीरिया की कैपिटल डोमेस्कस है ना उस दिन कोई मुझसे क्लास में बूझता सर बैंक में सर फॉरन पोस्टिंग का क्या प्रावधान है तो फॉरन पोस्टिंग का बहुत अच्छा प्रावधान है फॉरन पोस्टिंग हो सकती है इवन यहां भी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर भी ब्रांचेस होंगी बैंक की इंडिया के डोमासकस में सीरिया की के कैपिटल में तो सोच लेना फ़ॉरन पोस्टिंग अब कैसी लग रही है मतलब कि फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि यूट्यूब पर भर भर के आपको बताया जाता है वाह आ फ़ॉरन पोस्टिंग हाँ 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 ये नहीं बताया जाता भाई साहब सीरिया में तो हम फॉरन पोस्टिंग अफगानिस्तान में हो सकती है पाकिस्तान में तो नहीं चलो नहीं है अफगानिस्तान में हो सकती है बांग्लादेश में हो सकती है आपकी फॉरेन पोस्टिंग हमेशा फॉरेन पोस्टिंग से पेरिस वियना कोपन हेगेन ज्यूरिच नहीं रहेगा वो तो कुछ लोगों को ही मिलेगा मान लो चार बंदे पोस्टिंग करने तो चार बंदे तो गए तुम्हारा पांचवा नंबर लग गया तुम्हें अफगानिस्तान भेज दिया क्या कर लोगे तुम तुम किस्मत को दोष दोगे या फॉर नाम को तो फ़ौरन पोस्टिंग घर वाले तो कहेंगे बेटा हमारा बेटी हमारी फ़ौरन में गई है है ना स्टेट बैंक में लग के असलियत तो बताओ कौन से देश में गई है है ना तो ये है आपका फॉरेन पोस्टिंग का सच खैर जो बातें गई थी काल्पनिक नहीं थी सच थी है ना लेकिन इतनी भी ज्यादा सच नहीं थी वो थोड़ा सा ऐसे माहौल बनाने के लिए कुछ एक्जरगेट करके चीज को बता दिया जाता है है ना सभी जगह पर यहां पर नहीं यहां पर सच्चाई बताई जाती है ठीक है तो यहां पर एक सौ तिहत्तर सिटीज हैं पढ़ लो यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सो वन सिटीज है, so है जिसमें न्यू दिल्ली का रेंगे एक आया है आया ही क्यों रैंक मुझे समझ नहीं आए एक सौ बारहवा भी क्यों आया मुंबई का रेंगे एक सौ सतारवां आया है यहां पर आपका और सीरिया सबसे नीचे रशिया की कैपिटल यूक्रेन रशिया कैपिटल यूक्रेन ये क्या नहीं रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन मैंने क्या बोल दिया सच ना हो जाए भाई साहब रशिया कैपिटल ही जाए यूक्रेन कहते हैं ना पूरे दिन में एक बार सरस्वती माता आपकी जुबान में बैठती है मैंने गलती से जरूर बोल दिया ऐसे फ्लो में लेकिन क्या आप तो हो ना जाए ऐसा कुछ सो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन लेट फेब्ररी यूक्रेनियन कैपिटल कीव जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया इस इंडेक्स से निकाल ही दिया ठीक है और इसके अलावा रैंकिंग ऑफ बिजनेस डेस्टिनेशन बैरूथ जो है कैपिटल इसको भी यहां पर निकाला गया क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर बेलारूस में यहां पर बैरूत में यहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन एकस्प, हुआ था पोर्ट पे पूरा पूरा शहर में वो फैला था कितना बड़ा एक्सप्लोजन था बहुत वीडियोज वायरल हुई थी उसके रिलेटेड उसके बाद वहां पर वो बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है वहां पर सत्ता पूरी इंडेक्स असाइन रैंकिंग टू सिटीज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स के बेस पर पांच कैटेगरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हेल्थ केयर एजुकेशन कल्चर एनवायरमेंट हेल्थ केयर इनके बेस पर यहां पर तीस ऐसे मेजर्स हैं जिनके बेस पर इस तरह की रैंकिंग को निकालता है ठीक है ओके तो ये न्यूज में बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी पहला तो किसने दिया रैंकिंग इंडिया की कौन सी सिटीज हैं ये टॉप पांच याद रख लेना सबसे नीचे कौन है ये याद रख लेना और ये हाल ही में किनको निकाला गया इस रैंकिंग से इनको निकाला गया टोटल 173 सिटीज हैं इसमें शामिल और कितने पैरामीटर्स पर देखा जाता है 30 पैरामीटर्स पर और मेन मेन कैटेगरीज कितनी है ये मेन मेन कैटेगरीज आपके तो ये हुआ ग्लोबल एविलबिलिटी इंडेक्स दो आगे एक और खबर आई है और ये खबर बड़ी खतरनाक सी है यहाँ पर पढ़ने लायक मतलब बोरिंग सी है थोड़ी वैसे एक पेज पे है आईल की नई रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट आई है है नाम मेकिंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी अ रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स ग्लोबल रिव्यू ऑफ पॉलिसी स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज इतना लंबा नाम है है ना ये ना ये इतना लंबा रिपोर्ट का नाम सुन के मुझे वो मूवी का डायलॉग याद आ गया जो धमाल मूवी का था डायलॉग था ना उसमें वो उससे कार में लिफ्ट देते हैं ना वो उससे नाम पूछते हैं तो उसका नाम इतना लंबा चुड़ा आगे 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 तक चलता रहता है उसका नाम तो वैसा ही इस रिपोर्ट का नाम है मेकिंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी डैश 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 इसमें क्या कहा गया है ओनली छह प्रतिशत ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस ग्लोब आर लीगली कवर्ड फॉर ऑल बेनिफिट्स अंदर सोशल इंश्योरेंस स्कीम इंश्योरेंस स्कीम के तहत वो केवल कवर केवल और केवल छह परसेंट जो वर्कर्स हैं वो कवर हैं ये कहा गया है बाकी जो 94 परसेंट डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन तक यहां पर प्रोटेक्शन मेडिकल केयर सिकनेस अनुप्लॉयमेंट ओल्ड एज ये सब चीजें आपकी जो बेनिफिट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते रिपोर्ट में कहा गया है अराउंड 50 परसेंट ऑफ ओल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं नो कवरेज ऑट ऑल एंड द रिमेनिंग हाफ आर लीगली कवर्ड बाई एटलीस्ट वन बेनिफिट मतलब इनमें से नाइन्टी में से, से कह लो कि पचास के पास केवल और केवल कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है और बाकियों के एटलीस्ट एक बेनिफिट जरूर है सारा नहीं है लेकिन एक बेनिफिट जरूर है डिस्पाइट देर वाइटल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी 75.6 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो आपके अलग अलग तरीके से यहां पर वो जूझ रहे हैं अलग अलग परेशानियों से यहां पर आपका And enjoying legal coverage and effective access to social security. According to report, 57.3% of domestic workers in Europe and Central Asia are legally covered for all benefit and around 10% of domestic workers in America enjoy such rights and almost none are fully covered in Arab states, Asia and the Pacific and Africa. तो ये आई आईलव की एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने कहा है पूरी दुनिया में केवल छह परसेंट ऐसे लोग हैं जो सभी के तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़े हुए हैं उनको इंश्योरेंस मिलता है उनको सब सुविधाएं मिलती हैं लेकिन नाइनटी फोर परसेंट में से फिफ्टी परसेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है और बाकी जो फिफ्टी परसेंट उनको एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई एक सुविधा जरूर और छह को सारी की सारी सुविधाएं हैं ठीक है और अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो रीजन वाइज लास्ट पैर का यूरोप और सेंट्रल एशिया में 57 परसेंट ये रेशियो है फिफ्टी सेवन परसेंट अ गुड रेशियो ठीक है गुड परसेंट मतलब गुड तो नहीं है होना तो 100 चाहिए 90 80 तक होना चाहिए लेकिन यहां पर कंपेरिटिवली बाकी रीजन से ये अच्छे स्तर पर है ठीक है और जहां पर इन्होंने बात की अरब एशिया और पैसिफिक और अफ्रीका में वहां तो है ही नहीं भाई साहब वहां तो ये सब होता ही नहीं है ठीक है जो लेबर क्लास के लोग हैं डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो घर में काम करते हैं आपके और ये बाकी टोटल कितने सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन डोमेस्टिक वर्कर तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किए हैं हाईलाइट किए हैं ये एक एक क्वेश्चन यहां पर बनाता है छह परसेंट नाइनटी फोर फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री इस तरह से ठीक है हर एक क्वेश्चन एक एक बना रहा है आपका चलो आगे चलते हैं रिपोर्ट को बोरिंग मत बोलो फिर पढ़ने का मन नहीं करता मैं तो कहूँगा शादी मत करना बहुत बोरिंग हो जाएगी जिंदगी नहीं करोगे क्या करोगे फिर भी तुम लोग है ना करना तो है ही तुम्हारी मजबूरी है मैं तो बोरिंग बोलूँगा अकॉर्डिंग टू नेस्कोम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बूस्ट जी डी पी बाय फाइव हंड्रेड बिलियन डॉलर ओके, okay. so, पर आपका नेस्कोम एक इंडिया गवर्नमेंट इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एडवोकेसी ग्रुप इन्होंने क्लेम किया है दैट इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा यूज प्लान कुड बूस्ट इंडिया जीडीपी बाय 500 बिलियन डॉलर बाय 2025. ट्वेंटी फाइव ओके सो यहाँ पर एक और रिपोर्ट टाइप कुछ आया है एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन उस टाइप का कुछ है तो यहाँ पर नेस्कोम के द्वारा एक चीज़ दी गई है और उन्होंने कहा है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज अच्छे से किया जाता है तो यहाँ पर इंडिया की जो जी है वो दो तक पाँच बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी इंक्रीज हो सकती है नेस्कोम ने कोलेब्रेशन किया है ई के साथ एंड विध बैकिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल हैज इंट्रोड्यूस एन ए आई एडोप्शन इंडेक्स टू ट्रैक सेक्टोरल प्रोग्रेस ऑन ए आई एडोप्शन इन दी नेशन तो इनने मिलकर नेस्कोम ने ए वाई माइक्रोसॉफ्ट ई एक्सएल और कैपेजिमिनी इन कंपनीज के साथ मिलकर एक अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बनाया है अलग अलग सेक्टर में जिस जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज किया जा रहा है उस पे ये यहां है उस पर इंडेक्स इंडेक्स बनाया गया फर्स्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस कंज्यूमर पैकेज गुड्स रिटेल हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एंड दी ऑटोमोटिव ठीक है तो इंडेक्स यहां पर पहली बार यहां पर आपका फर्स्ट एनालिसिस ऑफ द एआई ट्रेंड्स इन इंडिया ये आप पूरा उसको देखेगा अच्छे समझेगा और इस बार पहली बार जो सेक्टर चुने गए हैं वो चुने गए हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस कंज्यूमर पैकेज गुड्स रिटेल हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड ऑटोमेटिव इन सेक्टर्स को चुना गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पर इसमें मेजर किया जाएगा टूगेदर दीज इंडस्ट्री कुड अकाउंट फॉर मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ आर्टिटिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल वैल्यू एड टू दी नेशन जी डी पी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव विच इज एस्टिमेटेड टू बिट्वीन फोर फिफ्टी डॉलर एंड फाइव हंड्रेड बिलियन डॉलर ठीक है तो यहां पर आपका दीज इंडस्ट्रीज इतनी इतनी इंडस्ट्रीज यहां पर मोर देन सिक्सटी परसेंट जो है वो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर Uh, इसकी वजह से यहां पर इंक्रीज होगा विच इज एस्टिमेटेड टू दी जो आपका मैंने 500 बिलियन ऊपर लिखा था वही लिखा है यहां पर ठीक है तो यहां पर उनका इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन 60% परसेंट तक ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है राइट ओके सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन यहां पर क्या कहा है नेस्कोम ने पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ठीक है उसके बाद किसके साथ मिलकर इसने यह सब काम करने की शुरुआत की है कि आर्टिफिश इंटेलिजेंस का इंडेक्स जो कि ट्रैक करेगा शुरुआत किस किस सेक्टर से की गई है बहुत सारे सेक्टर्स के नाम है ठीक है पहले तो यहां पर ओके वैसे तो चार ही हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है कंज्यूमर पैकेज गुड्स एक इंडस्ट्री है रिटेल साथ में आ गया हेल्थ केयर और ऑटोमेटिव यह एक इंडस्ट्री है ठीक है तो यहां पर हेल्थ केयर अलग मतलब और ऑटोमेटिव एक अलग तो यहां पर चार इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया है यहां पर इन चारों इंडस्ट्रीज के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से बनेंगे अकॉर्डिंग टू दॉप बॉडी इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पिछले दो सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका इंक्रीज हुआ है वो हुआ है थर्टी सिक्स बिलियन डॉलर दो हजार बीस सेवेंटी सेवन बिलियन डॉलर दो हजार इक्कीस यह आपका किया गया है 36 बिलियन से 77 बिलियन दो हज़ार इक्कीस करंट पेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट वॉज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड एट सी एरेंट एंड रीच एट एट वन बिलियन डॉलर बाइ टी ट्वेंटी थ्री इट वुड स्टिल ओनली अकाउंट फॉर टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ थ्री फोर्टी बिलियन डॉलर इन टोटल वर्ल्ड वाइड ए आई एक्सपेंडिचर तो यहां पर यह, इंडिया का यहां पर बताया गया सी ए जी आर क्या होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये एक बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ठीक है तो याद रखे रेट जिस तरह से कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है तो वो थर्टी पॉइंट एट परसेंट है एंड ये आपका डॉलर पहुंच जाएगा दो हजार तीस तक जो कि यहां पर फिलहाल आपका थ्री फोर्टी मिलियन डॉलर तक है ठीक है चलो आगे चलते हैं अगली न्यूज एक और यहां पर अप्रूवल आया है फंड सेंक्शन किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइव सिक्सटी टू मिलियन फंड तीन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के लिए सेंक्शन किए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ठीक है ओके okay, पानी पी लू वर्ल्ड बैंक ने यहां पर अप्रूव किया 562 मिलियन फंडिंग फॉर थ्री प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया पांच पांच प्रोजेक्ट ऊपर तीन लिखा है चलो कोई नहीं चेक करते हैं पांच ही है नीचे पांच आएंगे ठीक है तो यहां पर पांच लोन फंडिंग प्रोजेक्ट्स को यहां पर या फिर ऐसा होगा तीन प्रोजेक्ट्स में लोन अलग होगा देखते हैं पढ़ते हैं डब्ल्यू बी अप्रूव एंड एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ टू मिलियन डॉलर फॉर गुजरात आउटकम्स फॉर एक्सलरेटेड लर्निंग गोल पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करें वो है गोल यह गुजरात का प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली ऑलरेडी इनको फंडिंग दी गई थी ऑलरेडी इन्होंने यहां पर डेढ़ सौ मिलियन की फंडिंग इसमें लिए दी थी टू सपोर्ट द रिकवरी ऑफ इंडिया फिशरी सेक्टर विथ सो लॉसेज उसको लॉस लगा था यहां पर दो हजार बीस इक्कीस में एंड फिश प्रोडक्शन फेल ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट इन वन ईयर ड्यू टू कोविड नाइनटीन पैंडमिक की वजह से यहां पर आपका इसके सपोर्ट के लिए यहां पर दिया गया था और अब यहां पर इसके सपोर्ट के लिए 250 मिलियन डॉलर फिर से एक बार दिया गया है आ, नहीं ये कुछ मैं अलग बोल रहा हूं वो अलग बोल रहा हूं अच्छा वो अलग है सॉरी 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 एक सेकंड मैं खुद कंफ्यूज हो गया ओके लेट्स एवरीथिंग फ्रॉम माइंड दोबारा से करते हैं इस न्यूज को ओके वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 562 मिलियन की फंडिंग यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में टोटल पांच प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर इंडिया में जिनके लिए फंडिंग की गई है अप्रूव देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट है पहला प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट आता है आपका गुजरात से संबंधित दैट इज गुजरात आउटकम्स फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग गोल जिसको गोल कहते हैं शॉर्ट में ये एक प्रोग्राम है जो कि यहां पर बच्चों के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए किया गया है पूरे के पूरे स्टेट में ये एक ओरिजिनली लोन पहले भी दिया गया था तब दिया गया था 500 मिलियन डॉलर का जो कि मार्च 2021 में अप्रूव हुआ था अब उस 500 मिलियन डॉलर के अलावा एडिशनल 250 मिलियन डॉलर और दिया जाएगा गुजरात के गोल प्रोग्राम के लिए जिसके तहत यहां पर तकरीबन आपका 9000 स्कूल्स को पहले बेनिफिट मिलना था अब 12000 स्कूल्स को बेनिफिट यहां पर मिलेगा वो स्कूल जो कि कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से यहां पर अफेक्ट हो गए थे उनमें बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए सुविधाएं देने के लिए ये फंडिंग दी गई है पहला प्रोजेक्ट तो ये हो गया दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट क्या कहता है डब्ल्यू ने अप्रूव किया है एक मिलियन डॉलर की फंडिंग टू सपोर्ट द रिकवरी ऑफ इंडिया फिशरी सेक्टर इंडिया के फिशरी सेक्टर को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए कोविड 19 की वजह से जो नुकसान हुआ है वहां का पांच पॉइंट पांच बिलियन का वो यहां पर उसको करने के लिए एक डेढ़ सौ मिलियन की फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है वर्ल्ड बैंक ऑल्सो अप्रूव वन सिक्सटी टू मिलियन डॉलर फॉर दी राइट्स प्रोजेक्ट के लिए टू स्ट्रेंथन दोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कैपेबिलिटी ऑफ तमिलनाडु टू प्रमोट इंक्लूजन असिबिलिटीजन विद डिबिलिटी तो ये भी टू बिलियन डॉलर का अप्रूवल राइट प्रोजेक्ट के लिए अब ये जो राइट्स प्रोजेक्ट है ये बेसिकली तमिलनाडु के लिए किया गया है कैपेबिलिटी ऑफ तमिलनाडु टू प्रमोट द इंक्लूजन असेसिबिलिटी एंड ऑपरचुनिटी जो पर्सन डिसेबल है दिव्यांग उनके लिए यहां पर 162 मिलियन इस राइट्स प्रोजेक्ट के लिए किया गया राइट्स क्या है राइट्स प्रोजेक्ट आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस एक ऑपरेशन है साउथ एशियन रीजन का जिसमें फोकस किया जाता है आपका जो भी सोशल केयर सर्विसेज हैं आपका उन तक पहुंचाई जाए जो लोग डिसेबल है उनके कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के द्वारा उनको सपोर्ट दिया जाएगा उनको केयर की जो नीड है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ये सब चीजें इसमें यहां पर तमिलनाडु इन द डेवलपमेंट ऑफ एट सेंट्रलाइज रजिस्ट्री ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेटअप करेगा सोशल केयर सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेगा मोबाइल आउटरीच ऑफ थेरेपी सर्विसेज इस तरह की लिविंग ट्रेनिंग वगैरह वगैरह अपॉर्चुनिटीज यहां पर दी जाएंगी राइट्स प्रोजेक्ट के तहत वन मिलियन ये तीसरा प्रोजेक्ट हो गया

रेलवे uh, में लोग फिट हो रेलवे को यूज़ करें आपका ट्रांसपोर्टेशन परपज़ से यहां पर जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो ऑब्वियस है रेलवे आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा कोल वगल को यूज़ नहीं किया जाता और यहाँ पर पेट्रोल को यूज़ किया जाता है तो ऑब्वियस है पेट्रोल से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज़ होती है उसमें ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक्स जो इलेक्ट्रिक हमारी ट्रेन है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का जो इंजनस हैं उनसे इतना कुछ ज़्यादा पोल्यूशन uh, नहीं होता डब्ल्यू ये हो गया चौथा प्रोजेक्ट आपका पांचवा प्रोजेक्ट डब्ल्यू बी एज अप्रूव उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ थाउजेंड करोड़ टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न फार्मिंग इन नाइन हिल डिस्ट्रिक्ट इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाई दॉटर शेड डेवलपमेंट ओके सो ये हजार करोड़ रुपए यहां पर दिया गया वर्ल्ड डब्ल्यू के द्वारा यहां पर हिली स्टेशन के लिए उत्तराखंड के हिल स्टेशन उत्तराखंड की नो डिस्ट्रिक्ट के लिए हजार करोड़ दिया गया है वहां पर रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को लगाने के लिए तो ये आपके पूरे के पूरे पांच प्रोजेक्ट गए ये टाइटल में पांच ही कर लीजिएगा तीन नहीं है ये पांच ही है मैं खैर सही करके दे दूंगा आपको जब टाइटल आएगा आ, अभी इसको मैं मुझे रब करने दो यहां से नहीं तो फिर एनोटेशन में सारी रब हो जाएगी इस पेज की ठीक है मैं यहाँ पर सही कर इसको। ओके चलो अगली खबर यहां पर तीन पर्सनैलिटीज इनको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा होगा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं आपके एस एम कृष्णा साहब नारायण मूर्ति जी प्रकाश पादुकोण जी यहां पर ये यह तीनों पर्सनैलिटीज को यहां पर चुना गया है कैपे गोड़ा इंटरनेशनल इंटरनेशनल अवार्ड के लिए फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के फाउंडर हैं मूर्ति जी और पूर्व बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण जी सेलेक्टेड फॉर कैपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने प्रेजेंट किया टू द द ड्यूरिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन जो कि हाल ही में कैपेगोड़ा जी के एनिवर्सरी के मौके पर हुआ था कैपेगोड़ा आर्किटेक्चर है बेंगलुरु सिटी के और विधानसभा जो वहां पर विधान शोधा गया हैं उसको वहां पर किया गया था कैपेगोड़ा से आपको कुछ याद आ रहा होगा कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के एयरपोर्ट का नाम है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर हाल ही में उसको एक अवार्ड भी मिला है मतलब कि एक रैंकिंग में उसका नाम भी आया था आपको कुछ दिन पहले की आपकी न्यूज है तो यहाँ पर यह कैपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पर एस एम कृष्ण नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकोण इन तीनों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और ये एक इवेंट आपका हाल ही में किया गया था उनको पाँच लाख रुपये अलोंग विद द प्लेक प्लेक मतलब एक प्राइज तख्ती जिसको हम हिंदी में वैसे उसको तख्ती कहते हैं एक मतलब की तख्त पटल पटल कह लीजिए द गवर्नमेंट हेड कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी हेडेड बाय स्टार्टअप विजन ग्रुप जिसको हेड किया था प्रशांत चंद प्रकाश जी के द्वारा जिन्होंने इस अवार्ड के लिए लोगों को चुना इसके अलावा यहाँ पर और भी लोग मौजूद थे इसको याद करना हो तो कर लेना नहीं याद करना हो करना मत करना ठीक है कौन कौन थे बट एडलिस्ट चेयरपर्सन का नाम किस कमेटी ने इनको चुना है ठीक है इन तीनों का नाम क्या क्या पर्सनैलिटी है किससे जुड़े हो, वो नाम आपका इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कितना और किस कमेटी को हेड किसने किया था जिन्होंने इसको चुना उनका नाम मो बस सर्विस ऑफ साथीव दस यू यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड सो यहां पर मो बस द बस सर्विस ऑफ ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज वन ऑफ दी टेन ग्लोबल रिसिपियंट्स ऑफ इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए यहां पर आपका ओके जस्ट सेकेंड ओके सो मो बस सर्विस आपकी ओडिशा की है ओडिशा में वैसे कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ के आगे मो लिखा हुआ मिल जाए ना कोई भी सर्विस कोई भी चीज़ अगर आपसे एग्जाम में पूछे और उसके आगे लिखा है ना तो बेझिझक वो पूछे कौन से स्टेट से बिलोंग करते तो ओडिशा टिक कराना बस आंख बंद करके ठीक है कुछ भी किसी भी तरह का मो मो लिखा हो तो तो मो बस सर्विस द बस सर्विस ऑफ ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन अथॉरिटी इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है दस ग्लोबल में से एक रिसिपेंट इनको बना है एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इनको रिकॉग्नाइज किया गया कि उनके रोल के लिए जो कि उन्होंने यहां पर आपका अचीव किया फॉर अचीविंग दस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक अमंग द अदर विनर्स जो कि है यहां पर आपके थाईलैंड ब्राजील कैनाडा आयरलैंड बनामा पनामा फिलिपिंस पोलैंड साउदी एंड द यूक्रेन से ठीक है

एक जगह है ए और दूसरी जगह है बी मुझे यहां से यहां जाना है लेकिन मेरी जो बस है या मेरी जो मेट्रो ट्रेन है वो ए से बी ना जाकर वो सी तक जाती है जो कि बी के सबसे नजदीक है गोट माई पॉइंट तो मैं फिर मेट्रो सर्विस या बस सर्विस मुझे इस्तेमाल करनी है ऑब्वियस है मैं ए से सी वाली इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ए से बी की कोई बस सर्विस है ही नहीं तो मैं सबसे नजदीक वाली बस सर्विस इस्तेमाल करूंगा जो बस स्टॉप मेरे बी के सबसे नजदीक हो तो यहां पर क्या किया जाता है इनको पता होता है ऑब्वियस है कि आसपास जो लोग कहां कहां जाते हैं आसपास नजदीक नजदीक कौन कौन सी मेन एरियाज हैं वहां पर लोग जाते हैं तो इस सी लोकेशंस पर यहां पर जो भी ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेट कर रहा है जो बस सर्विस चल रही है मेट्रो सर्विस चल रही है कुछ भी चल रही है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाहे बस सर्विस के द्वारा मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनके द्वारा एक यहां पर एक और सर्विस प्रोवाइड की जाती है चाहे वो बस के थ्रू ही हो मिनी बस के थ्रू हो या यहां पर रिक्शा के थ्रू है और यह रिक्शा चलेगा जो कि बी तक जाएगा मतलब आप नीचे उतरे और सामने आपको रिक्शा मिल जाएंगे और वो आपको सीधा बी तक छोड़ देंगे किराया लेंगे अलग से लेकिन वो छोड़ देंगे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको बुला उसको बुला वहां ऑटोमेटिकली पहले से रिक्शा खड़े होंगे इस सर्विस में ऐसा किया और ये मैंने चीज दिल्ली में देखी थी दिल्ली मेट्रो सर्विस में ऐसा है कि जब दिल्ली मेट्रो में आप यात्रा करते हो तो वहां पर दिल्ली मेट्रो में अंदर जो वो एक लड़की है बोलती है है ना कि स्टेशन ही आने वाला है करोल बाग का स्टेशन आने वाला है तो वो जो भी बोलती है ठीक है तो वो यहां पर साथ साथ ये भी बोलती है कि इस पर्टिकुलर स्टेशन से बस फीडर सेवा उपलब्ध है इस तरह से बोलते हैं तो यहां पर मो ई राइड यहां पर लास्ट माइल फीड फीडर सर्विस यानी कि यहां से एक ई रिक्शा चलेगा लास्ट माइल मतलब आपको जहां तक जाना है वहां तक छोड़ के आएगा ओके तो ये आपका इंपैक्ट इज फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ सिटीज कंप्यूटर नाउ यूज दी मोबस तो इन्होंने इस तरह से यहां पर इसको बनाया बस सर्विस को कि तकरीबन 57 पॉपुलेशन जो है वो यहां पर बस सर्विस को इस्तेमाल करती है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से आपका बहुत सारी चीजें आपको यहां पर हो जाती हैं चाहे वो आ, ग्रीन हाउस गैस जो गैस अमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन अमिशन है उसमें भी आपकी कमी मिलती है मो ई राइड इज राइडेड टू रिड्यूस पोल्यूशन मो बस कंडक्टर आर वीमेन ये है जो जेंडर स्पेसिफिक लिखा था ना यहां पर जेंडर ये किस लिए था क्योंकि जो कंडक्टर है 40 प्रतिशत ऑफ मो ई राइड ड्राइवर्स आर वीमेन जो ई e राइड चलाती हैं ये सारी सारी महिलाएं चलाती हैं एंड वीमेन ट्रांसजेंडर भी हैं एंड दीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी ये भी हैं तो ये इन इन लोगों को यहां पर इस ई राइड सर्विस की यहां पर जगह दी गई है इनको चलाने के लिए तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं किसको दिया गया है ये अवार्ड ये दिया गया है पब्लिक सर्विस अवार्ड मो बस सेवा को यहां पर ओडिशा की है यहां पर और इसके अलावा किस किस को मिला है याद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं इतने देश के नाम याद करना छोड़ो क्वेश्चन तो आ सकता है देखो मैं ये नहीं नकारूंगा क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन रिटेन नहीं हो पाएगा आपसे ये सारा और मो ई राइड याद रख लेना ठीक है ये अमाउंट ये फिगर याद रखना है और ये दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर एग्जाम पढ़ने से रेलिवेंट है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ गई होगी e okay, आज न्यूज बड़ी बड़ी है सारी न्यूज बड़ी बड़ी है ना पढ़ाने के लिए टाइम लग रहा है सभी को सो जाओ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन गोवा सो जाओ गोवा में जाके कौन सोता है भाई गोवा तो सारी रात जागता है नहीं अच्छा सा साओ जुआओ अच्छा साओ जुआ है ठीक है ठीक है साओ जुआओ एवरी मोसम द साओ जुआओ फीस्ट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड्योर एंड गाइटी ग्रैंड्योर एंड गायती नया शब्द है भाई साहब मुझे तो पता नहीं आपको मतलब पता हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में है ना सत्तर अस्सी परसेंट लोग तो गूगल करके बताएंगे गूगल करके मत बताना अगर पता है तो बताना गूगल करके मत लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक है पता है जेनुअनली पता है इसका मतलब तो बता देना

उस टाइम पे सेंट जोन जो थे वो भी खुशी के मारे वहां पर कूदे थे पानी में उसी को यहां पर एक दर्शाते हुए चीज आपकी की गई ड्यूरिंग मॉनसून दिस इवेंट इज द मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट गेस्ट्स आर मेड टू वियर क्राउन्स मेड ऑफ लीव एंड फ्लावर्स कॉल दी कोपैर ओके तो ये यहां पर आपका क्राउन्स वगैरह वो पहनते हैं जैसे ये देख, देख रखा है आपको है ना इस तरह का वहां पर कुछ सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से बोट्स वोट्स जाती हैं गाने वाने गाए जा रहे हैं और ये कूद रहे हैं पानी में ओके okay. अपना एक अलग तरीका है इस सेलिब्रेट करने का इस फीस्ट को तो ये है आपका साओ जाओ साओ जुआओ सॉरी साओ जुआओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा चलो आगे चलते हैं अनिल खन्ना

आ, इन सॉरी इनको री अपॉइंट किया गया ऑलरेडी ये थे ही आपके रो के रिसर्च एनालिस विंग के सुमंत कुमार गुल अच्छा इन्हीं ये सुमंत कुमार गुल ये आजकल मूवीज़ में बहुत आते हैं रो के चीफ रो के चीफ ये हैं वो इनकी शक्ल तो किसी भी से नहीं मिलती इतने रो के चीफ अब तक देख लिया हमने मूवीज़ में है ना एक से भी शक्ल नहीं मिलती इनकी तो इनकी शक्ल ही अलग लग रही है यार कितने सीधे से लग रहे हैं ना रो के चीफ लग रहा है रो के चीफ है ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बढ़िया फेमस शानदार ये भी कभी जासूस रहे होंगे क्या नहीं ये तो वो होते सिविल सर्वेंट होते हैं कह रही है ना ये जासूस क्या करेंगे तो समंत कुमार गोयल री अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रो दोबारा से 2019 में आए थे समंत कुमार गोयल जी ने अनिल धस्माना जी की जगह नितिन गुप्ता नए चेयरमैन बने सीबीडी टी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के यहाँ पर और ये यहाँ पर पोस्ट ऑफ सीबीडी चीफ वॉज हेल्ड इन एडिशनल कैपेसिटी संगीता सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ली गई थी ये पोस्टर जे वी मोहपात्रा जी के द्वारा अब यहाँ पर उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था परमानेंट पर्सन आ गया नितिन गुप्ता इनका नाम है अविनाश कुलकर्णी अपॉइंट किए गए सीई ऑफ दी आई डी आर सी एल आई डी आर सी एल के सीईओ अपॉइंट किए गए इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड तीन साल के लिए नाम है अविनाश कुलकर्णी ओके करंट मनीष मखारिया जी की जहां लगी है जुलाई 2022 में ओके अभी बचा है कुछ मुझे लगा खत्म हो गया ओके सो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्वे रिजर्व कुछ रोज पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें एक ऐसी लोकेशन थी जो कि थी यहां पर आपकी मंगोलिया में मंगोलिया की एक फ्रेश वाटर झील थी लेक थी जिसमें पूरा सत्तर परसेंट पानी जो था वो मंगोलिया का वहीं से निकलता था और उसका नाम था खूब स्कूल लेक याद आ रहा होगा आपको ये उसी न्यूज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है एक्सपेंशन है आप समझ लीजिए क्योंकि उस लेक के अलावा भी यहाँ पर आपका और उस लेक के अलावा और दस और टोटल अब ग्यारह हो गए तो 10 और प्लस एक वो वाला तो 11 नए बायोस्फेयर रिजर्व की घोषणा यूनेस्को के द्वारा अपने चौंतीसवें सेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम में यहां पर की गई है जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था और इसके अलावा दो और एग्जिस्टिंग जो बायोस्फे रिजर्व थे स्पेन में एल हीरो और सियरा डेल रिंगन बायोस्फे रिजर्व इनको एक्सटेंशन कर दिया गया इनको एक्सटेंशन मिला इंक्लूडिंग 11 न्यू साइट्स अब 738 थर्टी एट बायोस्फेर रिजर्व हो चुके हैं एक कंट्री में इंक्लूडिंग ट्वेंटी टू ट्रांस बाउंड्री साइट ट्रांस बाउंड्री साइट्स होती है कि दो देशों के बीच में ठीक है एक देश इधर एक देश इधर ये देश है ये पूरा देश इधर ये पूरा देश इधर और बीच में कोई ऐसी लोकेशन जो इधर भी है और इधर भी है इसको कहेंगे हम दैट इज ट्रांसबाउंड्री है ना ये तो कुछ सिलोक्स टाइप तो नहीं बना कर चलो ये ग्यारह बायोस्फे रिज़र्व्स है अलग अलग देशों के देख लेना ऑस्ट्रेलिया कैमरून शैड आ, जियोर्जिया कजाकिस्तान मंगोलिया सऊदी ज़म्बिया जिम्बावे ओके जिम्बावे अभी जिंदा है ठीक है ओके चलो जिम्बावे में क्या कैरी मनाती नहीं क्या है चिम्मा चिंता मनी? नहीं चिम्मा निमनी चिम्मा मनी वाह क्या नाम है चिम्माी मनी ओके okay. ओके okay, तीन कंट्रीज़ चैट जियोर्जिया और जैम्बिया तीन कंट्रीज है जिनके पास पहली बार कोई यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर रिजर्व ऐड किया गया मान एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम जो था 1971 में शुरुआत की गई थी जिसके तहत एक साइंटिफिक बेसिस ढूंढा गया था कि लोगों और एनवायरनमेंट के बीच में एक क्या रिलेशनशिप हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग ऐसी जगहों को बनाया गया था ऐसी जगहों को चुना गया जहां पर लोग भी रहते हैं और वहां पर उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कंजर्व कर रहे हैं बचा रहे हैं लोगों के लिए वो चीज़ यूज़ हो रही है बेसिकली ऐसी जगहों को ये आपका एक कंजर्व करके रखा गया और इसलिए उनको अलग से दर्जा दिया गया आपका यूनेस्को के द्वारा दिनेश कार्तिक बने ओल्डेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर टी ट्वेंटी हाफ सेंचुरी ओके सो दिनेश कार्तिक सैंतीस साल सोलह दिन इनकी उम्र में

इन्होंने रन बनाए थे इकतीस अट्ठाईस बोलो इकतीस रन और अब इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की सैंतीस साल सोलह दिन की उम्र में कार्तिक दिनेश कार्तिक में दिनेश कार्तिक की स्टोरी अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पर स्टोरी बताने नहीं वाला हूं लेकिन आपसे मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूँगा दिनेश कार्तिक की स्टोरी जो भी है ना यूट्यूब पे देख लेना कहीं पर भी सर्च करके पढ़ लेना काफ़ी जो क्रिकेटर देखते हैं क्रिकेट फैन हैं उनको ज़रूर पता होगा दिनेश कार्तिक स्टोरी लेकिन काफ़ी जो लड़कियां हैं उनको नहीं पता होगा तो दिनेश कार्तिक की स्टोरी आज रात को सोने से पहले ये अभी मत टाइम वेस्ट करना रात को सोने से पहले ज़रूर देखना ठीक है इसकी स्टोरी क्या हुई दिनेश कार्तिक जो एक ये पर्सनैलिटी हैं इन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में अभी पिछले कुछ सालों से इन्होंने देखा है और ये फिर से एक बहुत ही जबरदस्त कम बैक किया इंडियन क्रिकेट टीम में इनकी स्टोरी वाकई में इंस्पायरिंग है और वो देखने वाली है और देखने वाली तो क्या है आप देखा देख तो सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर किसी के थ्रू सुन सकते हैं ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं इंडोनेशिया ओपन 2022 यहां पर ये हुआ ये सारे के सारे विनर रनर अप के नाम इंडियन कोई भी नहीं है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है फिर भी आपके लिए दी है मैंने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज सताइस जून को ऑब्जर्व किया जाता है ये डे आपका ठीक है एम के लिए यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर अगला है वर्ल्ड विटिगिलिगो डे ये एक तरह की आपकी डिजीजेज है स्किन है आपकी जो कि मेलानीन मेलानीन की, की यहाँ पर कमी की वजह से होती है ये आपने देखा होगा जैसे वाइट वाइट दाग हो जाते हैं जैसे स्किन्स के ऊपर ठीक है तो उस वजह से ये आपका विटिलिगो हो जाता है उसको विटिलिगो कहते हैं और ये यहाँ पर आपका 25 जून को इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है कि लोगों को देखा गया है कि आ, बहुत ज़्यादा इनको ना वो किया जाता है एक अलग से देखा जाता है जैसे कोई छुआछूत की बीमारी लग रही हो ऐसे इन लोगों को देखा जाता है कि हम टच कर लेंगे हमें ना हो जाए तो उसी चीज़ को यहाँ पर ऑब्वियस है खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में होती है भारतीय वो पीछे हम उससे मतलब हट नहीं पा रहे वो चीज़ें हो रही हैं अभी उनमें से एक ये, ये भी चीज़ है है ना आ, लोगों को बुली करते हैं उनको नेग्लेक्ट करते रहते हैं उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें घूमती रहती हैं है ना मतलब ऐसा दिखाया जाता है जैसे तुम हो ही नहीं कुछ भी जबकि वो पर्सन भी उतना ही कैपेबल है कैप उसके कोई ऐसा तो है नहीं कि वो तो कोई डिसेबल है डिसेबल लोग भी आजकल एक एबल लोग से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कई जगह पर कर लेते हैं है ना उनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये तो फिर भी पूरा पूरा एक इंसान है स्किन का कलर जस्ट इट्स अ कलर ऑफ दैट स्किन नथिंग एल्स ठीक है एवरी डब्ल्यू बी डी इज होस्टेड बाई डिफरेंट सिटी एंड ग्लोबल कैंपेन हेडक्वार्टर दो हजार बाईस डब्ल्यू डी इज होस्टेड बाई मैक्सिको के द्वारा होस्ट किया गया था यहाँ पर आपका एंड थीम यहाँ पर लर्निंग टू लिव विद विटिलिगो ये आपकी लिखी हुई है ओके okay, आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा बैंकिंग अवेयरनेस में आज कोई न्यूज़ नहीं थी तो वो कवर नहीं करेंगे हम एंड कल मिलते हैं फिर खैर रात को दस बजे मुलाकात करेंगे और ध्यान रखिएगा मेरा नया कोर्स बैंकिंग अवेयरनेस का छः जुलाई से आ रहा है अगर आपको बिल्कुल फ्रेश बैंकिंग अवेयरनेस मुझसे पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से लेकर बेसिक से एडवांस तक तो छः जुलाई से मेरी क्लास जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस की शुरुआत होने वाली है आ, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और एक मेरा नया लिंक किया कोर्स एक तारीख से जो एडिटोरियल का कोर्स है जो इस मंथ भी मैंने एडिटोरियल कंटिन्यू किया अगले मंथ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उस एडिटोरियल को लेकिन कुछ एक नया एलिमेंट उसमें ऐड कर रहा हूँ इस बार इंग्लिश के क्वेश्चन भी उसमें प्रैक्टिस किया करेंगे एडिटोरियल के साथ और वो भी ऐड होगा और उस क्लास का टाइमिंग सुबह साढ़े ग्यारह बजे रहेगा एक तारीख को उसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा तो दो कोर्सेज मेरे नेक्स्ट मंथ एक एक तारीख से एक छः तारीख से इसके अलावा भी आएंगे कोर्सेज वीकली वगैरह या कुछ प्रीमियम करंट अफेयर्स वगैरह मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ नया उसमें भी तो वो उसके लिए जुड़े रहेगा वो मैं बता दूंगा जब भी कोर्स लाइव होगा उसके रिगार्डिंग जो जो भी डेट्स होंगी फिलहाल जो आपके सामने एक तारीख और छः तारीख के मेरे दो कोर्सेज ठीक है बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आपको बाकी सारी क्लासेस के अपडेट्स लिंक्स मिलते रहेंगे सेशन पसंद आए लाइक कर देना बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन रात को दस बजे मुलाकात करते हैं